थर्ड है वो है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, देखिए ppm से आप इसे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, यू विल डिनोट इट विद ppm। पहले मैं डिफाइन बताऊंगा, फिर मैं इसका यूज बताऊंगा कि एक्चुअल में ये यूज कहाँ किया जाता है और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो लेक्चर में पार्ट्स पर मिलियन पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, पहले हम समझिए कि पार्ट्स पर मिलियन होता है क्या। तो मैं डिफाइन लिखता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कह रही है, तो ये कह रही है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। मतलब क्या है इसका, बहुत सिंपल सा मतलब है। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक सॉल्यूशन लिया, कोई भी एक सॉल्यूशन लिया और उसके मिलियन पार्ट्स लिए। अब आप सबसे पहले मिलियन का मतलब समझिए, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। यूट्यूब के दौर में मिलियन का मतलब सबको पता होना चाहिए, तो मतलब होता है इसका 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख। अब मैंने क्या किया, उस सॉल्यूशन की 10 लाख पार्ट कर ली, 10 लाख हिस्से कर ली। उन 10 लाख हिस्सों में से, उन 10 लाख हिस्सों में से सॉल्यूट जितना हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा होगा वो सॉल्यूट का ppm हो जाएगा, और सॉल्वेंट जितना हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा होगा वो सॉल्वेंट का ppm हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही इजी चीज है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे ये कहा कि मान लो आपने सॉल्यूशन के 10 लाख हिस्से किए और उन 10 लाख पार्ट में से सॉल्यूट जितना हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है वो सॉल्यूट का ppm हो जा रहा है और सॉल्वेंट जितना हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है वो सॉल्वेंट का ppm हो जा रहा है। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 10 लाख हिस्सों में से, सॉल्यूशन के 10 लाख हिस्सों में से सॉल्यूट जितना हिस्सा ऑक्यूपाई करेगा वो सॉल्यूट का ppm हो जाएगा और सॉल्वेंट जितना हिस्सा ऑक्यूपाई करेगा वो सॉल्वेंट का ppm हो जाएगा। सॉल्यूशन के 10 लाख हिस्सों में से, सॉल्यूशन के 10 लाख हिस्सों में से सॉल्यूट जितना हिस्सा ऑक्यूपाई करेगा वो सॉल्यूट का ppm हो जाएगा और सॉल्वेंट जितना हिस्सा ऑक्यूपाई करेगा वो सॉल्वेंट का ppm हो जाएगा। परसेंटेज में भी तो यही कर रहे थे, यही तो कर रहे थे, 100 हिस्सों में से सॉल्यूट जितना हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा था वो सॉल्यूट का परसेंट हो रहा था और सॉल्वेंट जितना हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा था वो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का परसेंटेज हो रहा था। सिमिलरली पार्ट पर मिलियन में क्या होता है, तो बस इतनी सी बात होती है कि द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के 10 लाख हिस्सों में से सॉल्यूट जितना हिस्सा ऑक्यूपाई करेगा वो सॉल्यूट का ppm हो जाएगा और सॉल्वेंट जितना हिस्सा ऑक्यूपाई करेगा वो सॉल्वेंट का ppm हो जाएगा। इसका यूज कहां होता है, इसका यूज होता है उन जगहों पर जहां पर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है, वेयर द कंसंट्रेशन इज वेरी लेस, उन जगहों पर यूज करता हूं। मैं सॉल्यूशन को 10 लाख हिस्सों में कब बांटूंगा, जब वो बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा, सॉल्यूट बहुत कम होगा, तब मैं सॉल्यूशन को 10 लाख के हिस्से से बोलूंगा कि इसके अंदर 2 ppm बचा है, इसमें 3 ppm बचा है, इसमें 4 ppm बचा है। मतलब कहां बहुत कम, कहां कहां, वहां पर जैसे अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन
इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है, बहुत ही कम, 2 ppm, 3 ppm, 0.2 ppm, 0.1 ppm, इस तरीके का अमाउंट होता है, यानी बहुत कम। और कहा अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट इन एयर, अगर ज्यादा पॉल्यूटेंट हुए तो निकल लोगे तो ज्यादा नहीं होंगे, अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट इन एयर कम, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। इस टाइम तो नेचर जो है वो अपने आप को हील कर रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है अपने आप को। इसका मतलब ये है कि पॉल्यूशन का लेवल कम हो रहा है, पॉल्यूटेंट का अमाउंट कम हो रहा है। तो क्या बात हो रही है, बस इतनी सी बात हो रही है कि द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंटिंग पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 10 लाख हिस्सों में से, सॉल्यूशन के 10 लाख हिस्सों में से सॉल्यूट का जो हिस्सा होगा वो सॉल्यूट का बीपीएम होगा, और सॉल्वेंट का जो हिस्सा होगा वो सॉल्वेंट का बीपीएम होगा। द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंटिंग पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन, उसी को आप क्या कह देते हो, पार्ट्स पर मिलियन कह देते हो। नाउ ppm जो है वो आपका मास के टर्म्स में भी हो सकता है और ppm जो है वो आपका वॉल्यूम के टर्म्स में भी हो सकता है। मैं दोनों के फॉर्मूले बना के दिखाता हूँ तब आपको और बेहतर समझ में आएगा, बट मैं इतनी बात क्लियर करता हुआ चलूं कि ppm उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर कंसंट्रेशन कम होगा। मान लो उसका क्या भरोसा, उसने कल आपसे एक सवाल पूछ लिया कि बताओ अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर को किसमें मेजर करोगे, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन किसमें करोगे, पार्ट्स पर मिलियन में करोगे। क्यों करोगे, बिकॉज द कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी लेस, वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है, जो कि कम होता है इसलिए आप इसका यूज करते हो ppm या पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हो। सिंपल सी बात कही, द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंटिंग पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन।